अस्सलाम वालेकुम। हाय खलको, तैयार हो गई हूँ। आज मलीह के घर इफ्तार है, पर इफ्तार से पहले थोड़ा सा कुछ सुमैया ने टाउन में शॉपिंग भी करनी है। मैं आपको अपना अबाया दिखाऊँ जो मैंने कि टिकटॉक से ख़रीदा है और बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप लोगों को ये अबाए चाहिए हो तो आप मेरे टिकटॉक के पेज पे जाएं, मेरे यही अबाए के वीडियो पे छोटा सा बास्केट होगा। और अगर आप यूके में रहते हैं, सिर्फ यूके के लिए, वहाँ क्लिक करें, लिंक आपको मिल जाएगा। तो चले मैं आपको अपना अबाया दिखाती हूँ। सो ये मेरा अबाया है, ये ऐसे टॉप पीस है। इसके ऊपर इनर तो मैंने ऐसे निटेड इनर पहना हुआ है, ये मुझे बहुत प्यारा लगता है। ये ऐसे है, मैं आपको नज़र आ रही हूँ, मेरा वेट पीछे आ रहा है, वेट मैं ठीक कर लूँ। ऐसे फ्लोवी सा है, बहुत ही खूबसूरत है। आज मैंने कहा रमज़ान है और रमज़ान की दावत है, तो चले इसको पहन लेते हैं। बहुत ही प्यारा है, लाइनिंग हुई है इसके साथ ऐसे करके, और ये ऐसे बलून करके स्लीव्स हैं। आपको ऐसे भी दिखा दूँ, आप लोग इसको घर में भी बना सकते हो। ये टिशू का कपड़ा अच्छी तरीके से, ये टिशू नहीं है, वे बहुत ही सॉफ्ट सा है, टिशू अकड़ा हुआ था, ये सॉफ्ट सा है, तो बहुत ही प्यारा है। और ये स्टाइल आप घर में भी बना सकते हो अगर आपको लेना नहीं, लेकिन प्राइस बहुत अच्छी है, इतने प्राइस में तो सिलाई भी नहीं होती। तो अगर आपको चाहिए तो आप मेरे टिकटॉक के बास्केट से ले सकते हो। तो चलिए अभी तो मैं जा रही हूँ, मेरे आई का एग्ज़ामिनेशन है, क्योंकि मेरे बैक ऑफ द आईज़ ये चेक करते हैं और आई टेस्ट भी है। मैं वहाँ जाती हूँ, फिर आके बाकी की गपशप लगाते हैं। अरे लश्कारी, मेरी लश्कारी ने पहना है बहुत प्यारा अबाया। शो यो वेरी, मैंने शो कर दिया, पर तुम अगर चाहो तो मुझे शो कर सकती हो। बहुत ही प्यारा अबाया है ये भी। अभी कह रही है कि मेरे पास तो इतने ढेर सारे अबाए थे और मैं उम्रे पे कुछ भी नहीं लेके गई थी। मैंने कहा दफाओ, सिर्फ दो अबाए पहन पहन के मुझे सिक कर दिया था। ये यू आर जस्ट वेयरिंग वन अबाए। मैं तो अपना लश्कारा आपको दिखा चुकी हूँ, लेकिन शॉल के साथ नहीं दिखाया था, तो शॉल के साथ भी दिखा रहा हूँ। ब्यूटीफुल, ऐसे लगे कलर, हेयर को कलर ब्लीच किया, सारा मैंने कलर निकाल दिया है, तो बड़ा ऑरेंजी ऑरेंजी लग रहा है। मेरे अबाया के साथ मैचिंग है, ये मैंने तो अबाया दिखा दिया, बस मेरा शॉल भी, ये देखे मेरे कितने पुराने शॉल है, पर मैं अपनी चीजों की हिफाजत कर रही हूँ। ये शॉल अब बहुत ज्यादा महंगी होती है, ये सब हाथ का काम हुआ है। अब तो ऐसे शॉल खरीदो तो फूफू बच जाएगी। ये तो मेरे ख्याल में 20 साल पुराने शॉल है, 20-25। तो बस मेरा अबाया है। आ जाओ, चलो चलते हैं अफ्तार पे, बाकी बातें रास्ते में करते हैं। में लगो तो आखिर में कोई ना कोई चीज़ तो रह जाएगी। अब सुमैया से एंटीबायोटिक रह गई है, वो एंटीबायोटिक के लेने के लिए चली गई है। एला को कहती हूँ तुम अभी बेल्ट ना मांगो, क्योंकि तेरा नाना नहीं है तो तुम गेट खोलोगी और बंद करोगी। और बस हम डोनट ले लिए, हमने अपने साथ पूरा बक्स भरा हुआ। तो अभी तो खैर 4 बजे, अभी 2 घंटे और 20 मिनट बाकी है, पर अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बेटर फील कर रही हूँ, क्योंकि कल रात को हमने सहरी की, वी डिड सहूर, और मैंने और एला ने एक एक डोनट भी खाया। ये मेरी बलूंगड़ी आ गई है, अब बलूंगड़ी बैठती है बेचारी का किचन अपसाइड डाउन है, अकेले पका रही है। व्हाट यू कुक? Tuna pasta. Oh my god, my favorite. Aubergine pakore. I made a pizza wreath. Oh my god, look at that. It's gonna look nice in the What's this? It's a pizza wreath. Shepherd's pie, corn on the cob, cauliflower cheese, honey carrots, creamed broccoli, gravy, Yorkshire pudding, and I'm making my strawberry mojitos right now. Oh my god, meri bachungri ko dekho. It's just I'm ill today, so. और ये आज बीमार भी है बेचारे। It's nice chill. No. तो मैं हम असर पढ़ने जा रहे हैं और ये लगी है माशाल्लाह। बाद में आपको दिखा दूँगी कितनी प्यारी प्यारी चीजें बना रही है। Oh yeah, and for dessert I've made pistachio walnut twists. Say again. Pistachio walnut is in the oven right now. सारी रात खाएंगे इंशाल्लाह सारी। आज हम मरी। And I'm just baking a school cake now. Okay, love you, baba. See you in a minute. Okay, I'm reading sir kamana sir gana kaza. So you guys pray then and then you look stunning mama. So you look stunning. Oh my god. Give me no kiss. Oi. Jan. Look how your mom did all this. Yeah. Isne aise zameen pe jagah banayi hai. Dad look. Wow, Rizwan, this is amazing. It's so beautiful. I don't know what, yeah? Look, how do you make them both move? Let me see. You
It's a new game, so you just pick the game and then you can both play. No, but well, look. सो अभी तो काफ़ी चीज़ें आने वाली है, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये उसने टेबल डेकोरेशन किया है। और मलिहा का ये बात होती है, ये हर चीज़ खुद बनाती है, कोई चीज़ रेडीमेड नहीं लेती है। तो ये तो खैर फ्रूट थोड़ा सा काटा हुआ है, और ये उसने नाम वो बताएगी क्योंकि उसके फ्रूट के नाम भी बड़े मुश्किल होते हैं। खैर खजूर उसने खुद नहीं बनाई। और ये मलिहा की चटनी है जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद होती है, क्रीमी चटनी होती है। ये मलिहा का स्पेशल स्पेशल पास्ता है जो बच्चे बहुत पसंद करते हैं। और ये स्पेशल मोहितो है जो कि सिर्फ मलिहा ही बना सकती है, और ये इतनी शानदार होती है कि इंसान कहता है रोज़ इफ्तार में और कुछ ना खाऊं, बस यही खाती जाऊं। और माशाल्लाह इसकी ये डेकोरेशन रमज़ान की देख के तो बस दिल खुश हो जाता है। डेकोरेशन भी व्हाट्स दिस एला, ये बैंगन के पकौड़े भी आ गए हैं, और ये शेपर्ड पाई के लिए सामान आ रहा है। मेरे कटूली बबूली, ही लुक्स सो हैंडसम माशाल्लाह। और ये अब पता नहीं अब ये क्या चीज़ है, नाम नहीं आते, नाम मलिहा ने बता दिए हैं। ये भी एक मलिहा का फूड होता है, बस बनाती है रंगारंग फूड। एला लेके आ, एला आहिस्ता आहिस्ता हेल्प कर रही है मेरी जान। रोजा भी है मेरे बच्चोंगड़े का, पाई भी आ गई है, और साथ में ये दूसरी चीज आ गई है, पता नहीं ये क्या मलिहा ने बनाए हैं। बाद में आपको नाम तो खैर बता भी दिए, बाद में बता देगी। ये तैयार हो गया है, अल्लाह ताला मलिहा को लंबी जिंदगी। सबको खाना दे रही है। स्वीट हार्ट ने अब केक बना लिए, बाबा जी रमजान केक। ओके चलो इस रमजान मुबारक केक, यू शुड पुट इट ऑन, पुट इट ऑन, पुट इट ऑन, पुट इट ऑन। रमजान मुबारक थी सर। Yeah, it was downstairs somewhere. I need to find it though. चलो रमजान मुबारक नहीं है इसके पास। वाओ सुबह हो गई है और सुमैया के हालात खराब है। अभी इसने चेंज नहीं किया, सुमैया के हालात खराब है, अभी ये उठी है। और मलिहा के हालात उससे भी ज्यादा खराब है, आपको दिखाती हूँ। ये मलिहा के हालात है। मलिहा यू कुक द बेस्ट फूड लास्ट नाइट। ये बोल नहीं रही है क्योंकि रोजा है, मुंह से बू आएगी आप लोगों को। और आया के हालात बहुत अच्छे हैं, ये बस दीवारों पे चलती है। बहुत ही जबरदस्त इफ्तार थी मलिहा की तरफ, मलिहा ने कुछ चीजें बनाई थी, आप यकीन करें 2 बजे तक मैं खाती रही। 2 बजे तक मैं खाती रही। मैंने मलिहा को कहा कि पूरे रमजान में मैंने इतना नहीं खाया, और मलिहा बार बार कहती थी ये खा लो, मलिहा के घर आ जाओ ना तो मलिहा तुम्हें खिला खिला के ना। वेरी हॉस्पिटेबल, वेरी अल्हम्दुलिल्लाह। बस ऊपर नीचे जा रही, क्योंकि मलिहा का किचन नीचे है और लिविंग रूम ऊपर है। तो बस बेचारी एक तो बीमार थी, एक थक गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने हर चीज़ ख़त्म की। हालांकि मैं मलिहा को कह रही थी इतना सामान है ये क्या करोगी, हमने सिर्फ मेरे ख्याल में शेपर्ड पाई रह गई थी, बाकी सारा कुछ हमने ख़त्म कर दिया था। डिलिशियस था, अल्लाह ताला इसकी रिजक में बरकत दे, और जो देखने वाले हैं ये यूट्यूब चैनल उनकी रिजक में भी अल्लाह बरकत दे। तो बस अभी मलिहा कहती नहीं दूसरी अफ्तार इधर करो, मैंने कहा खुदा के लिए ये परसों जा रही है तो चलो तुम लोगों ने कल आना है, क्योंकि मलिहा के बच्चे की छुट्टी हो जाएगी कल, मलिहा कल से मेरे साथ होगी। ये परसों जा रही है सुमैया बीबी, क्योंकि इसका ससुर आ रहा है, तो इंशाल्लाह 4-5 दिनों बाद फिर आ जाएगी। और हम कल इंशाल्लाह, आज इसका इरादा है कि फ़िश एंड चिप खाएंगे, हमारे घर के पास हलाल फ़िश एंड चिप होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा कुछ बनाऊंगी, कोई चिकन कढ़ाई शढ़ाई। और मैं जब कार्डिफ आ जाती हूँ तो मैं ढेर सारा गोश्त वगैरह लेती हूँ, चाहे मेरे घर में ज़रूरत हो ना हो, मैं मुझे यहाँ मलिहा के घर के पास आता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसमें एशियन पूरा एक लाइन एशियन की है,
तो उसमें मैं शॉपिंग करूंगी अभी, मैं अभी जा रही हूँ गोश्त लेने, और फिर मैं और सुमैया जाएंगे अज़ा शॉपिंग पर। इससे पहले हम नमाज पढ़ लें, नमाज के बाद इंशाल्लाह मैं जाऊंगी गोश्त की शॉपिंग करूंगी। मेरा फेवरेट जो यहाँ पे गोश्त की शॉप है वो क्लेयर फूड स्टोर है, ये ग्रेंच टाउन में है कार्डिफ में, बहुत ज़बरदस्त है। मैं उनसे सब्ज़ियाँ और सारा कुछ लेती हूँ। तो ये कहती है नहीं नहीं आज कुछ नहीं पकाना, पर आज मैं भिंडी पकाऊंगी और फिर देखना भिंडी, हाँ फिर देख रहा है। मैंने इसको कहा तुमने मेरे खाने को फिर हाथ भी लगाया ना तो हाथ तोड़ूंगी तेरा। तो आज भिंडी पकाऊंगी इंशाल्लाह, मेरा आज सब्जी खाने को दिल कर रहा है और फिश एंड चिप ये ले आएगी। तो चले अभी जाते हैं गोश्त की शॉप पे, फिर जाते हैं अज़ा और फिर इंशाल्लाह आपके साथ थोड़ी सी और चिट चाट करते हैं। लिया है अपने घर पर रिनोवेशन कर रही है, कारपेट स्टेज से सारा उठाया हुआ है, और इस बीबी को देखिए कैसे अपना बैग लेके जा रही है। घर इतना रमजान का सामान है, मैंने कहा मुझे कुछ दे दो, ये रमजान का कैलेंडर है। Are you ready? ये रबिश इसने भी कलेक्ट करके आज रबिश के दिन में किया है, अपने ब्लैक कलर को बिल्कुल सारा उतार दिया है। मेरे बाल इस वक्त रेड है, जैसे मंकी के बाल रेड होते हैं वैसे। सुबह ये कहती एक बाल नजर आ रहा था, कहती छुपाओ छुपाओ बालों को। मैं अभी करूंगी, अभी मैं इसको एक दूसरे एप्लीकेशन करूंगी और फिर हेयर कलर लगाऊंगी, क्योंकि मेरे बालों के ऊपर कोई 25 हेयर कलर थे, सारे उतार दिए मैंने। करो तो टाइम जल्दी जल्दी गुजर जाते हैं, जल्दी से समोसे तैयार ले लेते हैं, स्प्रिंग रोल ले लेते हैं, आज घर में नहीं बनाते। ये चिकन और चिकन और स्प्रिंग रोल, स्प्रिंग रोल अमरा वाला मशुमान दगा वेजिटेबल वाला कोई हाँ बस ये रहा वाला। Thank you.